हर दिन इंसान का मूड एक जैसा नहीं रह सकता। कभी वो दुखी रहता है, कभी वो खुश रहता है। आधी रात हो जाती है, उसे नींद आने लगती है, वो क्या करता है, फूंक मार के दिए को बुझा देता है। और जैसे ही दिया बुझता है तो पूर्णिमा की चांद की रोशनी उसके पूरे झोपड़ी को रोशन कर जाती है। वह सोचने लगता है, उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे वाह, अज्ञान को अपना अहंकार बना लेते हैं और उसका दीपक अपने अंदर जला के रखते हैं, और बाहर जो ज्ञान फैला हुआ है हम उसे नहीं ले पाते। तो आज मुंह क्यों लटका हुआ है सुबह से? आज सुबह से ही मूड कुछ अच्छा नहीं है। और मूड अच्छा नहीं था तो वापस चले फिर और कहीं ना कहीं। ओके, आज इनका ही मूड अच्छा नहीं है। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सबको, राधे राधे। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है बट चंदन जी अभी तक सो ही रहे हैं। कुछ बर्तन पड़े हुए हमारे रात के जो मैंने धोया नहीं था, ऐसे ही छोड़ दिया था। और मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, फिर बनाऊंगी चाय और रोटी। ऑफिस से आ चुकी हूँ मैं घर, और आजकल शाम जल्दी हो जाती है क्योंकि ठंड का मौसम है। ये बन रही है मेरी चाय, अदरक वाली चाय। आज सुबह से मूड कुछ अच्छा नहीं है, उसकी वजह से मैंने जो सब्जी बनाई थी सुबह उसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। ऑफिस गई तो वहाँ पे मैं जो काम कर रही थी, एक कोटेशन बना रही थी, तो उसमें मैंने प्राइस में गड़बड़ कर दी थी, और फिर बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया था मैंने, सही नहीं किया था। आपकी चाय तो आज कहाँ गया था वीडियो बनाने के लिए? सतीश फोटो मोबाइल में गए थे। अच्छा, किस चीज के लिए? फोर व्हीलर नहीं, बाइक का वीडियो बनाया। बाइक का बन गया? उसका नया ब्रांच में गए थे, बनाया। और पुराना वाला ब्रांच बोला कल सुबह आइएगा। ओ, मतलब कल फिर से जाना है? जाएंगे, देखेंगे, फोन करके बुलाएगा तो जाएंगे, और मूड अच्छा नहीं था तो वापस चले फिर। ओके, आज इनका ही मूड अच्छा नहीं है। वेरी गुड। हेलो, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हैं? एडिटिंग नहीं हो रही आपकी? हो रहा है, अपलोड हो रहा है। खाना हो गया? Okay. तो आज मुंह क्यों लटका हुआ है सुबह से? टेंशन क्या हुआ है? हर दिन इंसान का मूड एक जैसा नहीं रह सकता। कभी वो दुखी रहता है, कभी वो खुश रहता है। तो रोज एक जैसा इंसान का मूड नहीं रहता है। इसके पीछे की वजह होती है कोई कारण। वो कारण हो सकता है मेंटल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है इसकी वजह। तो आज हमने अपनी दिनचर्या से जो सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमें किसी के प्रति भी अपने मन में अहंकार नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊंचे पोस्ट पे हैं तो उसके लिए हम अपने अहंकार लाएं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, या हमें कुछ आता है तो उसके लिए हम अपने मन में ये घमंड करें कि अरे मेरे से तो ज्यादा कोई जानता नहीं है, मैं ज्यादा नॉलेजेबल हूँ। तो ऐसा अहंकार बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। अगर आपके मन में अहंकार नहीं रहेगा, अगर आपका मन शांत रहेगा, तो आपको और भी नए रास्ते दिखाई देंगे अपनी मंजिल तक जाने के लिए। मैं इसे एक कहानी के थ्रू आपको समझाती हूँ। एक आदमी अपने झोपड़ी में एक छोटा सा दिया जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात हो जाती है, उसे नींद आने लगती है, वो क्या करता है, फूंक मार के दिए को बुझा देता है। और जैसे ही दिया बुझता है तो पूर्णिमा की चांद की रोशनी उसके पूरे झोपड़ी को रोशन कर जाती है। वह सोचने लगता है, उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि अरे वाह, इतना छोटा सा दीपक ये जल रहा था तो इसने इतने बड़े चांद की रोशनी को अंदर नहीं आने दिया। और जैसे ही ये दिया बुझा, देखो चांद की रोशनी अंदर आ गई। तो ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, किसी से कुछ जानेंगे नहीं, और अपने उस अज्ञान को अपना अहंकार बना लेते हैं और उसका दीपक अपने अंदर जला के रखते हैं, और बाहर जो ज्ञान फैला हुआ है हम उसे नहीं ले पाते। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस छोटे दिए ने इतने बड़े चांद की रोशनी को बाहर रोक रखा था। इसलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, और दूसरों के प्रति हमेशा नम्र रहना चाहिए, हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक। कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।